चलिए कोटा से बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक्शन मोड में है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। अब शिक्षा विभाग की एडीपीसी उषा पवार को एपीओ कर दिया है। दरअसल लापरवाही और अनियमितता की शिकायत थी और इस पर एक जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह एक्शन लिया गया है। एपीओ करने के बाद शिक्षा निदेशालय बीकानेर मुख्यालय किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अलग अलग मुद्दे जो उनके सामने आए हैं बीते दिनों, लेकिन खासतौर पर उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखा है कि लापरवाही जहां पर हो रही है और खासतौर पर शिक्षा विभाग के अंदर लापरवाही की अगर बात करें तो कोई भी लापरवाही अधिकारी अगर पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लापरवाही शिक्षा के क्षेत्र में प्लीज ना हो पाए। एडीपीसी उषा पवार को एपीओ किया गया है। लापरवाही और अनियमितता की शिकायत थी और इस पर एक जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया है। रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में जो लापरवाही और अनियमितता की बातें थी, एडीपीसी उषा पवार के लिए उन्हें ठीक पाया गया, सही पाया गया। स्पष्ट तौर पर जब ये जानकारियां सामने आई, गठित जब जो कमेटी थी उसको जब गठित किया गया, उसके बाद भी पूरी जांच के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया है। एपीओ करने के बाद शिक्षा निदेशालय बीकानेर मुख्यालय किया गया। हमारे साथ सहयोगी भंवर जुड़ चुके हैं। भंवर, लगातार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस समय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीते दिन जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई तकलीफें परेशानियां उनके सामने आई थी उस पर अब एक्शन ले रहे हैं और इसी क्रम में एडीपीसी उषा पवार को एपीओ किया गया है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल एपीओ का आदेश जारी हो चुका है और एपीओ करने के बाद जो मुख्यालय है वो बीकानेर शिक्षा निदेशालय कर दिया गया है। ये एडीपीसी है उषा पवार और इनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। इनके खिलाफ शिकायतें उस तरह की मिली थी कि अनियमितताएं और लापरवाही के बहुत से प्रकरण थे जिनको लेकर के कंप्लेन की गई थी। इस पर एक जांच कमेटी का पहले ही गठन कर दिया गया था। इस पूरे मामले में जांच कमेटी की जब रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट आने के बाद सीधा ये एक्शन लिया गया है और इस एक्शन के तहत जो उषा पवार एडीपीसी है उनका फिलहाल एपीओ का आदेश जारी हो चुका है। ठीक है भंवर, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर।